अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि पार्टीज की क्या क्या पोजीशन होती है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस क्या होते हैं, होल्डर क्या होता है। आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं उनकी, अगर फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है वो आपका डिसऑनर्ड हो जाता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो किसके ऊपर कितनी लाइबिलिटी आती है, कौन लाइबल होता है। इन बातों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज में हम आते हैं तो फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ वेरियस पार्टीज। तो मुख्तलिफ पार्टीज आपको पता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्टियां हैं, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टियां, इसी तरह से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं। तो जरूरी है कि हमें सबकी लाइबिलिटीज का पता हो कि किस पार्टी की कौन सी लाइबिलिटी है और वो किस पोजिशन पे होता है जब ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्रायर की लाइबिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है बनाने वाला ड्रायर होता है। द ड्रायर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टेड देयर ऑफ टू कंपनसेट द होल्डर। द होल्डर प्रोवाइडेड दैट ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू और रिसीव बाय हिम। ठीक है जी, ड्रॉयर की क्या लाइबिलिटी है? पहली बात उन्होंने बताया कि जो ड्रॉयर है बिल ऑफ एक्सचेंज का और जो चेक का, वो बाउंड है अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है ड्रॉई की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आप चेक दें और आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो आप बाउंड हैं कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक दिया, आपके बैंक में पैसे नहीं थे, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो अब आप पे ये लाइबिलिटी है कि आपने पेमेंट करनी है, प्रोवाइड दैट ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू और रिसीव बाय हिम, कि आपको डिसऑनर का नोटिस भी मिल गया, ठीक है। तो ड्रॉयर की ये पोजिशन। इसी तरह ड्रॉई ऑफ अ चेक, ड्रॉई ऑफ अ चेक आपको पता है हमेशा बैंकर होता है, बैंक के अलावा और कोई नहीं होता, क्योंकि चेक हमेशा बैंक में ही कैश या ट्रांसफर होते हैं, इसके अलावा डिपॉजिट होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो द बैंक मस्ट ऑनर द चेक ऑफ द ड्रॉयर प्रोवाइडेड ही हैज इन हिज हैंड्स सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉयर। If the bank refuses to make payment without sufficient cause being shown, he must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. कहते हैं कि drawer of the check जो है, drawee of the check जो है, उसको लाजमी है कि वो check को honor करे अगर आपके account में पैसे हैं तो, ठीक है। पैसे नहीं है तो एक अलग बात है, अगर आपके account में पैसे हैं तो ये जरूरी है कि वो check को honor करे, हर हालत में उसको honor करे, ठीक है। अगर वो चेक को रिफ्यूज कर देता है ऑनर करने से विदाउट द प्रॉपर रीजन, कोई सफिशिएंट कॉज दिए बिना, तो फिर वो ड्रॉयर को कॉम्पनसेट करेगा जो भी लॉस या डैमेज वगैरह उसको होगा। और आपको पता है ऐसी सूरत में जो डैमेज क्लेम होता है वो एग्जेम्पलरी डैमेज होता है, कि जब आपके अकाउंट में एक पैसे मौजूद हो और आपका चेक डिसऑनर्ड कर दे बैंक वाला, तो फिर एग्जेम्पलरी डैमेज होता है जो आपकी फीलिंग्स की बेस पे होता है। दो ही सूरत हाल में वो होता है ना, जब आपसे कोई शादी का वादा करे और शादी ना करे, और दूसरा ये है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे हो और बैंक उस पर चेक ऑनर ना करे। क्लियर? फिर आगे चलते हैं हम। मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल। द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेनर ऑफ द नोट एज सून एज ही साइंस द नोट एंड डिलीवर्स इट ही बिकम्स लायबल टू पे फॉर होल्डर। ठीक है, पहली बात उन्होंने कह दी कि देखें, जो भी मेकर होता है, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है कि मैं आपको पे करूंगा, वो बाउंड है कि वो अपेरेंट टेनर के तहत टाइम पे उसकी पेमेंट करे। जब जैसे ही वो नोट साइन करता है और वो डिलीवर कर देता है पेई को या होल्डर को, ठीक है, तो उस वक्त से वो बाउंड हो जाता है कि उसने इस नोट की पेमेंट करनी है, ठीक है। द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट और आफ्टर मैच्योरिटी इज बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ टू द होल्डर ऑन डिमांड। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट द मेकर और एक्सेप्टर इज बाउंड टू कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट और बिल फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम एंड कॉज्ड बाय सच डिफॉल्ट। और आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि
किसी और को डायरेक्ट किया जाता है कि आप फलां शख्स को पेमेंट करें, तो जब आप बना रहे हैं और पेमेंट कोई और करेगा तो आपको उसकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है कि हाँ मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज से एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो जिस तारीख को वो एक्सेप्ट करेगा उसी तारीख से वो बाउंड हो जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की वो पेमेंट करेगा पेई को या होल्डर को, ठीक है। और अगर वो डिसऑनर्ड होता है तो उस पे डैमेज भी क्लेम किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी शख्स मेकर है नोट का या बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है, ये दोनों बाउंड है पेमेंट के लिए। जो भी अपरेंट एंड ऑर के तहत पेमेंट है उसके लिए दोनों बाउंड है। इन केस ऑफ डिसऑनर दे विल बी लायबल, कि अगर ये डिसऑनर्ड होते हैं तो ये दोनों बिल्कुल लायबल होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इंडोर्सर। इंडोर्सर जो इंडोर्स कर रहा होता है, मतलब आगे निगोशिएट कर रहा होता है, फर्दर आपके पास आया, आपने आगे इंडोर्स किया, उसने आगे इंडोर्स किया, वो कहलाते हैं इंडोर्सर, साइन कर करके जो आगे भेज रहे होते हैं। The endorser of a negotiable instrument must compensate the holder for any loss or damage caused to him by dishonor under the following condition. देखिए, अगर मेरे पास बिल आया, मैंने अगले को एंडोर्स कर दिया, तो अगला होल्डर बन गया, ठीक है। लेकिन अब मैं लायबल हूँ कि मैं उसको, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि नीचे मौजूद है, तो मैं लायबल हूँ कि जो भी डैमेज या लॉस उसको होगा मैं उसको कॉम्पनसेट करूंगा। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, पहली बात कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट हमारे बीच में ना हुआ हो कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा अगर ये डिसऑनर्ड हो गया, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में नहीं हुआ तो फिर मैं लायबल हूँ। दूसरी बात, इफ द इंस्ट्रूमेंट आर एंडोर्स एंड डिलीवर्ड बिफोर मैच्योरिटी, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने उसकी मैच्योरिटी डेट आपको पता है जो कि मेंशन डेट है उसके बाद के 3 डेज ऐड करके, ठीक है। तो जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट है उससे पहले वो डिलीवर्ड भी हो और एंडोर्स भी हो, एंडोर्स करके अपने बना रखा हुआ उसका डिलीवर्ड होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें अगर हो रही है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, आप होल्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। फिर है, इफ द एंडोर्सर डज नॉट एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी और मेक कंडीशनल हिज ओन लायबिलिटी। देखें जी, कभी कभी क्या होता है कि हम अगले को बिल दे देते हैं लेकिन अपने आप को एक्सक्लूड कैसे करते हैं, हम कहते हैं देखो ये बिल तो तुम ले जाओ लेकिन कल को अगर ये डिसऑनर्ड होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये मैंने जुमले बोले तो इसका मतलब है मैंने अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया या कंडीशनल कर दिया कि देखो भाई अगर ये ऑनर हो रहा है तो ठीक है, ये डिसऑनर हो रहा है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इस तरह के जुमले अगर मैं बोलता हूं तो बेसिकली मैंने अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया। अगर मैंने इस तरह के जुमले बोले हुए फिर तो मैं लायबल नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी कि जिससे मैं लायबिलिटी से एक्सक्लूड हो रहा हूं या कोई कंडीशनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो, कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं किया, तो फिर सीधी सी बात है मैं लायबल हूं होल्डर के लिए। If due notice of dishonor is given to or received by such endorser, कि जब dishonor का notice received जो या endorser को दे दिया गया हो तो भी endorser liable हो जाता है holder के लिए, जब उसको holder notice of dishonor दे या वो खुद और वो receive करे वो notice, ठीक है, is given to or received by such endorser, तो भी वो liable हो जाता है, ठीक है। प्रायर पार्टीज को होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखिए जब हम वर्ड प्रायर पार्टीज यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, ठीक है। अगर पेबल टू बेयरर है तो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, पेबल टू ऑर्डर है तो साइन करके ट्रांसफर इंडोर्स करके ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, लेकिन है वो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी तो इसमें मुख्तलिफ पार्टीज जुड़ सकती है ना। एक चेक आज आपके पास है, कल दूसरे को आप दे सकते हैं, वो तीसरे को, चौथे को, तो सारी पार्टीज की एक चेन इसमें बन सकती है। तो जो भी प्रायर पार्टी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल है, यही बात लिखी है। एवरी प्रायर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल देयर ऑन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। ड्यूली सेटिस्फाइड मतलब तमाम रिस्पेक्ट से पूरा होना जरूरी है, स्टैम्प वगैरह सारी चीजें उस पर मौजूद होना जरूरी है जो हम पहले पढ़कर आ रहे हैं। द प्रायर पार्टी मीन्स द मेकर, द ड्रॉयर, द एक्सेप्टर एंड ऑल द इंटरवेनिंग एंडोर्सर। इट मीन्स द लायबिलिटी ऑफ अ प्रायर पार्टी इज जॉइंट एंड सेवरल। द होल्डर इन ड्यू कोर्स में रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनीवन और फ्रॉम ऑल ऑफ देम जॉइंट। लेकिन जी होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है उससे जितनी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में या किसी भी चीज में जितनी भी प्रायर पार्टीज जुड़ रही है, उसको बनाने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है जनाब, उसको निगोशिएट करने वाला, फर्दर एंडोर्स करने वाला, ये तमाम जितनी भी पार्टीज जुड़ रही है तमाम के तमाम होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल है, ठीक है, बशर्ते कि बिल तमाम रेस्पेक्ट से पूरा होना चाहिए, तमाम रेस्पेक्ट से, ठीक है। इसके बावजूद
इसके बाद अच्छा मजीद क्या है कि इनकी जो लाइबिलिटीज है आपस में वो ज्वाइंट एंड सेवरल है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद ऑप्शन है कि वो जितनी भी प्रायर पार्टी है इनमें से किसी एक को भी रिकवर कर सकता है अमाउंट, और चाहे तो सबसे मिलके भी रिकवर कर सकता है, तो उसके बाद ये ऑप्शन होता है, लेकिन तमाम प्रायर पार्टीज होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल है। अब है प्रायर पार्टी टू सब्सिक्वेंट पार्टी, हर प्रायर पार्टी हर आने वाली पार्टी के लिए लायबल होती है, यही इस हेडिंग का मतलब है। एज बिटवीन द पार्टीज सो लायबल एज श्योर, ईच प्रायर पार्टी इज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी आल्सो लायबल देयर ऑन एज अ प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। देखिए आज अगर मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, मैंने आपको एंडोर्स कर दिया, मैं प्रायर पार्टी बन गया, आप सब्सिक्वेंट बन गए, मैं आपके लिए लायबल, आपने क्या करा मिस्टर ए को मजीद इंडोर्स कर दिया तो आप मिस्टर ए के लिए लायबल है। तो हर प्रायर पार्टी हर सब्सिक्वेंट पार्टी के लिए लायबल होती है, बशर्त ये कि उसने अपने आप को लायबिलिटी से एक्सक्लूड ना कर दिया हो। जैसे कि मैंने बताया था कि आप कहेंगे यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन कल को अगर ये डिसऑनर्ड होता है तो तुम मेरे पास मत आना, किसी के भी पास जाना मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं लायबल नहीं होऊंगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर सिक्स में वो कहते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, अच्छा पॉइंट सिक्स रह गया सॉरी, मेकर ड्रॉयर एंड एक्सेप्टर एज प्रिंसिपल। देखिए जो भी बनाने वाला होते हैं वो तो प्रिंसिपल होते हैं ना, बिल्कुल उसके मतलब एट द एंड लायबिलिटी मूव होते होते उन्हीं पे जाएगी, क्योंकि हर प्रायर पार्टी एक सब्सिक्वेंट पार्टी के लिए लायबल है। अगर हर कोई अपने पीछे वाले से रिकवरी करता रहेगा कि भाई मैंने तो आपसे लिया था मुझे आप रिकवर करें, तो इस तरह चेन चलती चलती एट द एंड कहाँ जानी है, वहीं जानी है जहाँ से चेन स्टार्ट हुई थी, जो कि मेकर ड्रॉयर और प्रिंसिपल एक्सेप्टर थे, तो यही लोग प्रिंसिपल है। तो एट द एंड तो लायबिलिटी इन्हीं पे मूव करनी है। ठीक है, यही बात है, द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और चेक द ड्रॉयर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल एक्सेप्टेंस एंड द एक्सेप्टर आर इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी रिस्पेक्टिवली लायबल दे आर ऑन एज प्रिंसिपल डेटर एंड द अदर पार्टीज देयर टू आर लायबल दे आर ऑन एज श्योरिटीज फॉर द मेकर ड्रॉयर एंड एक्सेप्टर। इन द केस में भी कह रहे हैं कि देखें जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला है या जो उसको एक्सेप्ट करने वाला है या जो भी उस चेक को बनाने वाला है या प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला है, इनकी लायबिलिटी प्रिंसिपल लायबिलिटी है, मतलब ये उसके लिए लायबल रहेंगे। क्योंकि देखिए लायबिलिटी क्या होगा, एट द एंड मूव करते करते इन्हीं के पास आनी है। अगर आज एक चेक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ और वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आपने क्या करा आगे पैसे नहीं दिए, वही सेम चेक दे दिया, उन्होंने भी सेम चेक दे दिया, तो इस तरह से रिकवरी जो होगी वो एट द एंड मेरे पास ही आनी है कि मेरे ऊपर ही रिकवरी के लिए आना है। अब चाहे तो अगर वो चेक फॉर एग्जाम्पल डिसऑनर्ड होता है तो मैं प्रीवियस पार्टी को ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैं आपका चेक नहीं ले रहा, आप मुझे पैसे दें और ये चेक अपना पकड़े अपने हाथ में। ठीक है, इस तरह करते करते भी वो चेक घूम के मेरे पास ही आना है। ठीक है, दूसरा अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, उसने क्या करा, उसने डायरेक्ट जाके सूट फाइल कर दिया, तो जब सूट फाइल करा तो वो भी डायरेक्ट मेरे ऊपर करा, क्योंकि चेक तो मैंने काटा था, तो डिसऑनर्ड हुआ तो उसमें मेरी गलती थी। तो ये जो प्रिंसिपल डेटर होते हैं, मेकर ड्रॉयर एक्सेप्टर, ये आपके प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा लायबल रहते ही रहते हैं। फिर आ जाते हैं अकोमोडेशन पार्टी। देखें अकोमोडेशन बिल की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो विदाउट कंसिडरेशन होता है और सिर्फ अगले को अकोमोडेट करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि आपको पैसे उधार चाहिए थे, आप अब मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे पास उधार तो नहीं है, तुम एक काम करो मेरे नाम का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ और जाके बैंक से डिस्काउंट करा लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और जब 3 महीने बाद तुम्हारे पास पैसे आए तो बैंक को पेमेंट कर देना। ये अकोमोडेशन बिल हो गया। तो अकोमोडेशन पार्टी का इसमें, अब मैं इसमें अकोमोडेशन पार्टी था, आप अकोमोडेटेड पार्टी थे जिसको मैंने अकोमोडेट किया। अकोमोडेशन पार्टी का इसमें काम सिर्फ अकोमोडेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे पास से कोई पेमेंट वगैरह नहीं जाए। लेकिन अगर अकोमोडेशन बिल भी इंडोर्स होता होता होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला जाए तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो अमाउंट मुझसे लेगा। हालांकि मैं अकोमोडेशन पार्टी था, मेरा कोई पैसे से लेन देन नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपको अकोमोडेट करने के लिए गुड जेस्चर के तौर पर ये काम किया था। लेकिन अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पैसे मुझसे वसूल करेगा। वो अलग बात है, मैं बाद में वो पैसे आपसे लूंगे, अकोमोडेटेड पार्टी से लूंगे, भाई मैंने तो तुम्हें अकोमोडेट किया था, तुमने ये मुझे कहाँ फंसा दिया, बिल आगे कहाँ इंडोर्स करते करते ले गए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला जाता है तो जो भी अकोमोडेशन पार्टी होती है उसके लिए लायबिलिटी आ जाती है।
यही बातें जो पूरी लिखी है, एन अकोमोडेशन पार्टी इज लायबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगर वो होल्डर के पास जा रहा है तो अकोमोडेशन पार्टी लायबल नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाए जो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हमेशा बिल लेता है, तो फिर वहां पे अकोमोडेशन पार्टी भी जो है वो लायबल हो जाती है। Not standing that when such holder took the instrument, he knew such party to be an accommodation party if he was paid the amount thereof can recover such amount from the party accommodated. यही बात लिखिए कि अगर accommodation party holder in due course को payment कर भी देती है तो उसके भाई right है कि वो accommodated party जिसको उसने accommodate किया था उससे वो पैसा वसूल कर सके। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि holder in due course को ये बात जरूर उसके इल्म में नहीं होनी चाहिए कि उसको ये ना पता हो कि भाई ये बिल अकोमोडेशन बिल सिर्फ उसने अकोमोडेट किया था अगले को। अगर उसको ये बात पता है तो इसका मतलब है कि अकोमोडेशन पार्ट जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसकी इंटेंशन जो है वो बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी पता है कि अगले ने सिर्फ अकोमोडेट किया है, उसके कोई पैसे ऐसे का लेन देन नहीं था, उसने सिर्फ इसको अकोमोडेट करने के लिए बिल साइन किया था। तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद भी अगर वो रिसीव करता है बिल तो फिर वो उसके लिए अकोमोडेशन पार्टी लायबल नहीं है। अदरवाइज अगर वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ बिल रिसीव कर रहा है तो फिर अकोमोडेशन पार्टी भी लायबल होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं श्योरिटीशिप। व्हेन अ होल्डर ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एक्सेप्टर टू रिलीज हिम फ्रॉम लायबिलिटी। When a holder of an accepted bill of exchange entered to a contract with the acceptor to release him from the liability, the surety is principal debtor and endorser will be discharged unless the holder has expressly reserved his right against them. ठीक है, हुआ क्या? अब basically ये एक suretyship बन रहा है। ठीक है, हर बंदा एक दूसरे के लिए liable हो रहा है, एक दूसरे की guarantee हो रही है, तो ये एक suretyship की form ले रहा है ना? ये हमने agency के भी उसमें पढ़ा, guarantee के chapter में पढ़ा भी था कि ये एक suretyship बन जाता है। जब एक बंदा दूसरे का शोल्डी, तीसरे का, चौथे का, इस तरह से बनता चला है। प्रिंसिपल डेटर आपका कौन बन रहा है? प्रिंसिपल जो है वो आपका वही बन रहा है जिसने बनाया था, जो कि एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, एक्सेप्टर या ड्रायर जो भी कह ले। अगर होल्डर, मेरे पास बिल तीन चार छह पार्टीज से निगोशिएट होते होते मेरे पास आ गया, मैं होल्डर का, मेरे पास आने के बाद, ठीक है, मेरे पास आने के बाद मैंने हरकत क्या करी? मैंने जाके जो एक्सेप्टर था उसको रिलीज कर दिया पेमेंट से, कि मैं तुम्हें इस लायबिलिटी से रिलीज कर रहा हूं। अगर मैं उससे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर आ रहा हूं तो जितने भी श्योरिटी, जितने भी एंडोर्सर थे ना जो बीच में जुड़े हुए थे, वो सब भी लायबिलिटी से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रिंसिपल डेटर था, जो सारी चीजें थे, वो सब भी लायबिलिटी से रिलीज हो जाएंगे। अगर जो एक्सेप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज का, मैं सिर्फ उसको लायबिलिटी से रिलीज कर दूं तो वो सब भी रिलीज हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं कोई एक्सप्रेसली रिजर्व कर लेता हूँ कोई राइट अगेंस्ट देम, कि जितने भी इंडोर्सर और प्रिंसिपल डेटर के मैं बोलूँ नहीं, मैं आपको तो रिलीज कर रहा हूँ, बाकियों को नहीं करूंगा, मैं इनसे वसूली करूंगा, इस तरह का अगर कोई राइट अपने पास रिजर्व कर रहा हूँ, तो फिर लाजमी सी बात है फिर बाकी एंडोर्सर और प्रिंसिपल डेटर मेरी लायबिलिटी से रिलीज नहीं होंगे, लेकिन ये एक्सेप्टर तो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये एक्सेप्टर मेरी लायबिलिटी से रिलीज होगा, बाकी जो एंडोर्सर हैं उनकी लायबिलिटी से रिलीज नहीं होगा, वो इससे वसूली करेंगे बाद में, क्योंकि एट द एंड इसको घूम फिर के इसी के पास आना है, क्योंकि यही एक्सेप्टर था। ठीक है, तो जो बात, जो चेन है वो चलते चलते रिकवरी होते होते एट द एंड इन्हीं के पास आनी है। ठीक है, तो अगर श्योरिटीशिप में कोई भी होल्डर जाके एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को रिलीज कर देता है विदाउट रिजर्विंग एनी राइट अगेंस्ट हिम, तो फिर तमाम के तमाम विदाउट तो फिर तमाम के तमाम जो है वो सब के सब रिलीज हो जाते हैं लायबिलिटी से। हाँ, अगर वो श्योरिटीशिप में एक्सेप्टर को तो रिलीज करे, लेकिन बाकी के अगेंस्ट में राइट रखे कि नहीं मैं बाकियों से वसूली करूंगा, तो फिर ये उसने राइट रिजर्व कर लिया, तो फिर यहाँ पे बाकी उसकी लायबिलिटी से तो रिलीज नहीं होंगे, वो उसके लिए लायबल रहेंगे होल्डर के लिए, लेकिन एक्सेप्टर भी श्योरिटीशिप के लिए पूरे लायबल रहेगा जितने भी एंडोर्सर और प्रिंसिपल डेटर हैं। हाँ, होल्डर ने उसको रिलीज कर दिया अपनी लायबिलिटी से। यहां पे आके आपका ये चैप्टर एंड हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करता हूं।
जी फवाद पूछे। अच्छा पहले मैं लास्ट पॉइंट फिर से बता देता हूँ, एक स्टूडेंट ने बोला है। देखिए लास्ट पॉइंट में हो क्या रहा है, एक श्योरिटीशिप बन रहा है। श्योरिटीशिप हम तब कहते हैं जब हर बंदा एक दूसरे की श्योरिटी ले रहा है ना। अब देखिए मैं अगर एक बिल है और वो इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं एक बिल को इंडोर्स करता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है हमने पहले पढ़ा है कि हर प्रायर पार्टी सब्सिक्वेंट पार्टी के लिए लायबल है। इसका मतलब है हर प्रायर पार्टी में श्योरिटी आते जा रहे हैं और हर बंदा दूसरे के लिए लायबल हो रहा है। इसका मतलब है वो दूसरे का श्योरिटी बन रहा है, ठीक है। अब बिल तकरीबन 7 पार्टीज के पास जाके एक होल्डर के पास जाता है और वो होल्डर क्या करता है, क्योंकि जो बिल का एक्सेप्टर था ना, जहां से बिल स्टार्ट हुआ था, जो एक्सेप्टर था उसने जाके उसको रिलीज कर दिया, क्योंकि सबसे पहले लायबिलिटी क्रिएट किस पे होती है, एक्सेप्टर के ऊपर होती है ना। अगर उसने एक्सेप्टर को रिलीज कर दिया कि मैं तुम्हें लायबिलिटी से रिलीज करता हूं, तो इसका मतलब है जितने भी बाकी के इंडोर्सर और प्रिंसिपल डेटर वगैरह थे वो सब भी लायबिलिटी से रिलीज हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो रिलीज इस तरह से करे, वो कहे भाई मैं तुम्हें तो लायबिलिटी से रिलीज कर रहा हूँ लेकिन बाकी किसी को रिलीज नहीं कर रहा, तो फिर बाकी लोग उसकी लायबिलिटी से होल्डर के रिलीज नहीं होंगे। और यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो भी होल्डर की लायबिलिटी से रिलीज होगा लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उससे रिकवरी करेंगे, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 4 बता देता हूँ, एक स्टूडेंट ने पॉइंट नंबर 4 का भी पूछा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 होता है द इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंपनसेट द होल्डर फॉर एनी लॉस और कॉज डैमेज टू हिम बाय डिसऑनर अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ये असल में मैं पढ़ा चुका था, आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है इसलिए आपको नहीं आता ये। देखिए जी, जो भी इंडोर्सर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसके लिए जरूरी होता है कि वो होल्डर को कंपनसेट करे अगर वो बिल वगैरह डिसऑनर्ड हो जाता है या डैमेज, जो भी डैमेज क्लेम होगा वो डैमेज क्लेम होगा। किन सूरत हाल में, इन सूरत हाल में, कब कब, जब उसने, इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। देखिए जब मैं अगले को बिल इंडोर्स कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उसके लिए लायबल भी हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कॉम्पनसेट करूंगा अगर उसको कोई लॉस होगा, और मेरे पास से जो जाएगा मैं पिछले से रिकवर कर लूंगा जो मुझसे पहले वाला इंडोर्सर होगा, ठीक है। कब मैं लायबल होऊंगा होल्डर के लिए, जब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ना किया। दूसरी बात, इफ इंस्ट्रूमेंट आर इंडोर्स एंड डिलीवर्ड बिफोर मैच्योरिटी, के इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हुआ और डिलीवर्ड हुआ मैच्योरिटी से पहले। तीसरी बात, मैंने अपने आप को लायबिलिटी से एक्सक्लूड ना किया, मतलब मैंने ऐसी कोई बात ना की हो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो मैं आपको इंडोर्स कर रहा हूँ लेकिन कल को अगर ये डिसऑनर होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप उससे पहले वाली पार्टी को पकड़िएगा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा तो भी मैं लायबल हूँ। इफ ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू और रिसीव बाय सच इंडोर्सर, कि उसका जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो मुझे मिल दे दिया जाए कि भाई आपका बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो वो अगर मैं रिसीव कर लेता हूँ तो भी मैं लायबल हो जाता हूँ होल्डर के, ठीक है। यहाँ पे आके ये चैप्टर एंड हो रहा है आपका, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये इंडोर्सर और इंडोर्सर एक ही है, कोई फर्क नहीं है, स्पेलिंग चेंज है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मायने है प्रेजेंट करना। प्रेजेंटमेंट मींस प्रेजेंटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने का मुराद ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस लिए प्रेजेंट किया जाएगा, देखने के लिए कि भाई ये मैंने प्रोमिसरी नोट बनाया है आप देख लीजिएगा जो भी है। एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है ऑर्डर टू पे है तो वो एक्सेप्ट होगा कि आपने बनाया था, अब इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद आपके लिए पेमेंट, पेमेंट के लिए भी बात बात प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करें पेमेंट के लिए। तो 3 सूरत हाल ऐसी होती हैं जिनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाता है। पहली, एक्सेप्टेंस देखने के लिए, और इसके अलावा पेमेंट के लिए, ठीक है। अब देखें, ये प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने अगली पार्टीज को लायबल भी ठहराना होता है इसमें, तो इसकी प्रेजेंटमेंट भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना,
देखिए, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी ओनली इन केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट डज नॉट अप्लाई टू अ चेक और प्रोनो. द फॉलोइंग बिल्स नीड नॉट बी प्रेजेंटेड और एक्सेप्टेड. पहली बात तो उन्होंने कर दी कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जरूरी है, बाकी किसी चीज के लिए जरूरी नहीं. क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बना मैं रहा हूं, एक्सेप्ट सामने वाला करेगा, पेमेंट कोई और करेगा, और पेमेंट भी किसी और को जा रही होगी, तीन पार्टी आ जाती है ना. तो बना मैं रहा हूं, पैसे कोई और दे रहा है, तो ऑर्डर टू पे है. ठीक है, तो उसमें एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी बहुत जरूरी है कि वो आपसे एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जरूरी है, क्योंकि देखें चेक के केस में जरूरी नहीं है. चेक आप डायरेक्ट किसी को भी काट के दे सकते हैं, आपका ही साइन होगा, एक्सेप्टर का साइन नहीं होगा उसमें. प्रोमिसरी नोट, क्योंकि प्रोमिस टू पे है, आप ही प्रोमिस कर रहे हैं, आपने ही आगे देना है, तो उसमें भी आपको एक्सेप्टेंस के साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ही पेमेंट करनी है. बिल ऑफ एक्सचेंज का मसला ये है कि बनाने वाला अलग है, पेमेंट करने वाला अलग है. ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी होती है कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है. लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती एक्सेप्टेंस के लिए. कौन कौन से? अब बिल पेबल ऑन डिमांड, अगर आप ऑन डिमांड का बिल बना लें तो इसका मतलब है आपको डायरेक्ट पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी डायरेक्ट पेमेंट होगी, क्योंकि जब भी डिमांड की जाएगी पेमेंट हो जाएगी. अब बिल ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट, ठीक है, ऐसा बिल जो कि एक्सपायर हो रहा हो, एक्सपायरी हो रही हो एक खास मुद्दत के बाद उसकी, तो वो भी आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखें ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो रहा है, तो अब तो उसको एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर है अ बिल ऑन द डेट ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट. कोई भी ऐसा बिल आप बना रहे हैं जो एक हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है. लेकिन सर्टेन इवेंट का मतलब ये है कि होना है इवेंट, लेकिन इवेंट की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन होना है वो इवेंट. तो ऐसा अगर कोई आप बिल बनाते हैं तो वो भी आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होगी. हाउएवर द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस. लेकिन ये दो तरह के बिल जो है ये एक्सेप्टेंस के लिए पे करना, वो प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. पहला, अ बिल एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई for sight or acceptance to fix the maturity date of the bill. कोई भी ऐसा बिल आसान अल्फाज में सुने जिसमें आपने मेच्योरिटी डेट डिसाइड करनी है. A bill payable at a specified period after sight must be presented to the drawee for sight or acceptance to fix the maturity date of the bill. कोई भी ऐसा बिल जिसमें आपने मेच्योरिटी डेट डिसाइड करनी है, वो बिल आपने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है ड्रॉई के साथ. दूसरा, अ बिल विद इन विच देयर इज एन एक्सप्रेस स्टिमुलेशन दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर प्रेजेंटिंग फॉर पेमेंट. या कोई भी ऐसा बिल जो कि क्लियरली मेंशन हो जिसके अंदर कि ये बिल हमेशा पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट होगा, तो ऐसे बिल को भी आपने प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए. ठीक है, तो दो तरह के बिल एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है. पहला, जो जिसमें मेच्योरिटी डेट का डिसाइड होना है कि उसको देखने के बाद मेच्योरिटी डेट डिसाइड की जाएगी. ठीक है, दूसरा कि ऐसा बिल जिसमें खुद से क्लियरली मेंशन था कि पेमेंट से पहले हमेशा ये एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट होगा. ऐसी सूरत हाल है तो ये दो तरह के बिल आपको प्रेजेंट करने होते हैं. इसके अलावा जो बिल है जैसे कि एक एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड है कि खास मुद्दत के बाद उसे एक्सपायर हो जाना है, ऐसा बिल भी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए. दूसरी बात, हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट कि जो आपने किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करा दिया था, तो जब इवेंट होगा तो वो पेमेंट हो जाएगी, तो उसको भी आपने एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये दो तरह के बिल हैं जिसमें आपने मेच्योरिटी डेट को डिसाइड करना हो ताकि ड्रॉई अपनी मर्जी से भी मेच्योरिटी डेट आपसे निगोशिएट करके फिक्स कर सके, और दूसरा जब एक्सप्रेस एस्टिमेशन हो कि हाँ ये बिल पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है. अब एक्सेप्टेंस होती क्या है ये देखें. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सेप्टेंस मींस एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सम मेंशन्ड इन अ बिल by the drawee or any other person on his behalf. मतलब drawee भी कर सकता है या उसका कोई एजेंट भी कर सकता है. द
The drawing is not liable on the bill unless the bill is presented to him for acceptance and he actually accepts it. The drawee gives his consent in the writing to the bill by signing it. He writes the word accepted and delivers back to the holder. देखिए acceptance के मायने यही है कि जब भी कोई बिल आप drawee को दें payment के लिए और वो make sure करे कि हाँ ठीक है मैं इस sum से agree हूँ कि ये sum मैं आपको pay करूँगा, वो उस पे sign करे और वो आपको वापस दे, ये चीज कहलाएगी acceptance. और नॉर्मल जिंदगी में भी हम यही करते हैं कि जब भी हमें किसी से पैसे वगैरह ऐसे कोई मैटर डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एक्सेप्टेंस ऐसे ही लेते हैं कि आप इस पर साइन करें और हमें ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करें कि आप इस अमाउंट से एग्री हैं, ठीक है. तो यही चीज कहलाएगी एक्सेप्टेंस. अब कुछ एसेंशियल होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के, वो क्या क्या है. पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग. पहली बात तो ओरल नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस हमेशा रिटर्न होगी. अगर आप और करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है ही पूरा रिटर्न, तो एक्सेप्टेंस भी रिटर्न हो. इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉई और इज एजेंट. देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता ड्रॉयर है, देता है ड्रॉई को है कि पेमेंट को, और इंस्ट्रक्ट करता है कि पेई को पेमेंट हो, तो वो साइन जो करेगा वो भी ड्रॉई खुद करेगा एक्सेप्टेंस का, या उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट करेगा. इट मस्ट अपेयर ऑन द बिल, ठीक है. जो भी आपका सिग्नेचर वगैरह होगा वो अपेयर भी होना चाहिए बिल के ऊपर, मतलब बिल के ऊपर ही करना है एक्सेप्टेंस आपका. द एक्सेप्टेड बिल मस्ट बी डिलीवर्ड टू द होल्डर, और आपने बिल एक्सेप्ट करने के बाद होल्डर को डिलीवर भी करना है कि आप उसको वो बिल डिलीवर कर रहे हैं, आपने होल्डर को डिलीवर भी करना है, ठीक है. ये चारों चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई. क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस की टाइप की तरफ. पूछना चाह रहे तो पूछ ले. चले टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में हम आते हैं, तो पहली तो जर्नल है, दूसरी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है. नाम से थोड़ी जाहिर हो गई होंगी आपको कि जर्नल और क्वालिफाइड में क्या फर्क होता है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माशाल्लाह से पूरा पढ़ा हुआ है और अब तो पक्का भी हो चुका होगा क्योंकि आपके पेपर भी करीब आ रहे हैं तो आप उसकी तैयारी भी कर चुके होंगे. लेकिन जर्नल एक्सेप्टेंस, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द लायबिलिटी टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल इन फुल विदाउट एनी कंडीशन, द एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड जर्नल और एब्सोल्यूट. द एक्सेप्टर मे मेंशन द बैंक वेयर पेमेंट शैल बी मेड एंड दिस डज नॉट अमाउंट टू कंडीशन. कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट वगैरह उसमें लिखा था आपने फुल्ली एग्री कर लिया कि हाँ ये अमाउंट सही है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी अगर आपने वो सारी एग्री कर ली, कोई अपनी कंडीशन नहीं डाली, तो हम इसको कहेंगे कि ये आपने जर्नल एक्सेप्टेंस करी. हाँ अगर आप अपने बैंक वगैरह का नाम लिखते हैं कि इस बैंक से पेमेंट वगैरह होगी तो भी हम यही कहेंगे कि ये जर्नल एक्सेप्टेंस है, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ बैंक का नाम मेंशन करा है, मतलब पेमेंट चैनल बताया, ठीक है. तो हम इसको यही कहेंगे कि ये एक जर्नल एक्सेप्टेंस है. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नाम से जाहिर है, जब आप कुछ रद्दो बदल करें. व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन इट इज कॉल्ड कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस फॉर अन अमाउंट लेस देन दैट मेंशन इन द बिल और फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन दैट इज स्पेसिफाइड इन द बिल इन कंडीशनल एक्सेप्टेंस. वो कहते हैं कि जब भी आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसने लिख के भेजी है अगर उसमें आप रद्दो बदल करते हैं तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कहलाएगी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल उसने बनाया 10,000 का, आपने कहा नहीं यार 9,000 पे कर दो, मैं 9,000 पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये आपने जो एक्सेप्टेंस दी है ये आपने दी है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है. अगर उसने 3 महीने की मुद्दत लिखी थी आपने उसको बढ़ा के 4 महीने कर दी तो ये भी आपने बेसिकली एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की है. अब देखिए एक और बात हम करते हैं, दैट होल्डर मे रिफ्यूज टू टेक अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस and treat the bill as dishonored and sue the drawer. The holder may accept the qualified acceptance. If he accepts such qualified acceptance without the consent of the prior party are discharged from their life. अब जो भी होल्डर है वो रिफ्यूज कर सकता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को कि मैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा, वो रिफ्यूज कर सकता है. लेकिन अगर वो रिफ्यूज नहीं करता, वो रिफ्यूज कर दे और वो केस फाइल सूट फाइल कर दे ड्रॉयर के ऊपर,
कि भाई ये डिसऑनर्ड हो गया, मतलब वो उसकी क्वालिफाइड एक्सेप्टर्स को एज अ डिसऑनर्ड भी ट्रीट कर सकता है और उस पर सूट फाइल कर सकता है। अगर आपने 10,000 लिखा था, वो उसको 9,000 एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप इसको रिफ्यूज करें और इस बिल को डिसऑनर्ड ट्रीट करें, ठीक है, और आप सूट फाइल कर दे जाके। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होल्डर एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं उनके कॉन्सेंट के बिना तो वो तमाम की तमाम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब वो उस बिल के लिए लायबल नहीं रहेंगी। फिर ये होल्डर जाने और बाकी जिससे उसने एक्सेप्ट किया है वो जाने, लेकिन बीच वाली तमाम पार्टीज जो है अपने उससे निकल जाएंगी, वो डिस्चार्ज होगी, क्योंकि उनका कॉन्सेंट लेना जरूरी है। क्योंकि देखिए बिल का अमाउंट चेंज हो रहा है या उसका टाइम लिमिट बढ़ रही है, तो जितनी प्रायर पार्टी है उनका कॉन्सेंट जरूरी है। अगर आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो आप सबको रिलीज कर देते हैं, अगर आप बाकियों का कॉन्सेंट लिए बिना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एग्री कर रहे हैं तो, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं, who may present। अब देखिए present कर कौन सकता है acceptance के लिए, any of the following can present the bill for acceptance। holder खुद भी कर सकता है, holder का कोई authorized agent भी कर सकता है, और endorsement की केस में endorsee भी कर सकता है। तीनों लोग कर सकते हैं, holder खुद भी, holder का कोई agent भी, और endorsee के केस में, endorsement के केस में endorsee भी, ठीक है। ये तीनों जो है वो present कर सकते हैं bill of acceptance के। अब बात करते हैं एक्सेप्ट कर कौन सकता है, वो तो था ना एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कौन कर सकता है। अब हम देखते हैं एक्सेप्ट कर कौन कर सकता है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट द बिल, द ड्रॉई और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, ड्रॉई खुद या उसका कोई ऑथराइज एजेंट भी कर सकता है। ऑल द ड्रॉइज व्हेन देयर आर सेवरल ड्रॉइज, इफ सम ड्रॉइज आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट देन देयर एक्सेप्टेंस इज इनफ। अगर एक से ज्यादा ड्रॉई है, फॉर एग्जाम्पल 5 ड्रॉई है, तो पांचों के पांचों ने एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन डिसाइड हुई हुई थी कि 5 में से अगर 3 जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें 3 की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, 3 लोग उसको एक्सेप्ट करके काम चला सकते हैं, ठीक है जी, मतलब वो बिल एक्सेप्टेंस कंसिडर कर ली जाएगी। तीसरा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ द ड्रॉइंग इज डेड। अगर ड्रॉई की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। चौथा, ऑफिशियल रिसीवर इन केस द ड्रॉई हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको पता है अब तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर ही नहीं सकता, तो जो भी ऑफिशियल रिसीवर आएगा वो उसकी जगह पे वहां पे साइन करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता। छठा, एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर कल हम पढ़ चुके हैं, जो अगले की सिर्फ प्रेस्टीज को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए एक्सेप्टेंस दे देता है। तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर, दैट इज एनी पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर ऑनर ऑफ एनी लायबल पार्टी दे आर ऑन, जो किसी दूसरे पे कर्ज हो और उसकी इज्जत बचाने के लिए अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हम एग्री कर लेते हैं उसको, एक्सेप्टेंस को कबूल करते हैं। ये 6 तरह के लोग होते हैं जो एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, 3 तरह के लोग प्रेजेंट कर सकते हैं और 6 तरह के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब लॉ ने मजीद इसमें बात करी है कि प्रेजेंटमेंट का टाइम क्या होना चाहिए, कि कब आप बिल जो है वो प्रेजेंट करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए। 3 पॉइंट्स हैं। पहला, एक तो बिजनेस डे में विद इन बिजनेस आवर्स आपने प्रेजेंट करना है, कि बिजनेस डे हो और बिजनेस आवर्स के अंदर हो, ऐसा ना हो रात 12 बजे आप किसी के पास लेके पहुंच जाए। दूसरा, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था तो भाई एक रीजनेबल टाइम के अंदर पे कर दे, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद लेके आप पहुंच रहे हो। रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम केस टू केस वैरी करेगा, बिल के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन दैट पीरियड स्पेसिफाइड इन द बिल। अगर बिल के अंदर कोई पीरियड स्पेसिफाई हुआ हुआ है तो उस पीरियड के अंदर अंदर आपने बिल को प्रेजेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ था कि बनाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है, तो आपने जिस तारीख को बनाया उसे 1 हफ्ते के अंदर आपने प्रेजेंट करना है। लेकिन प्रेजेंट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि एक तो बिजनेस डे होना चाहिए, दूसरा बिजनेस आर्ट होना चाहिए। तो ये थी इसकी टाइम। प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट, प्लेस क्या होना चाहिए प्रेजेंटमेंट का। इफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द बिल, it must be presented for acceptance at the place.
If at such a place the drawing cannot be found after reasonable search on the due date for presentment, the bill is dishonored. If no place is mentioned in the bill, it may be presented at usual place of business of the drawing or in the residence. देखिए पहले बोलते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड था तो आपने वहीं पे प्रेजेंट करना है बिल एक्सेप्टेंस के लिए, और अगर ड्रॉई वहां पे मौजूद नहीं होता और आप काफी ढूंढते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको उस जगह ड्रॉई नहीं मिलता तो आप बिल को कंसीडर्ड कर लेंगे एज डिसऑनर्ड और सूट वगैरह जो भी हो आप उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई प्लेस मेंशन नहीं है तो आपने यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो ड्राई का यूजुअल बिजनेस प्लेस हो जहां वो जॉब वगैरह करता हो, या उसके घर पे आपने प्रेजेंट करना। ठीक है जनाब, क्लियर? फिर है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नेसेसरी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन ऑर्डर टू फिक्स द एक्सेप्टर with liability must be presented for acceptance before it presented for payment. अब कह रहे हैं कि presentment for acceptance देखें necessary कहाँ है? Necessary कितना है? देखें कभी भी हमने अगर acceptor के ऊपर liability को fix करना है ना कि हाँ तुम इसके लिए liable हो, तो जरूरी है कि हम उसको payment से पहले bill acceptance के लिए present करेंगे, क्योंकि बातों का अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने due date decide करनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमने अमाउंट डिसाइड करना, कुछ भी चीज है, तो ऐसी सूरत हाल में बिल प्रेजेंट करना जरूरी होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस देखिए इतनी है, बिल प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस नेसेसरी कब है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन ऑर्डर टू फिक्स द एक्सेप्टर विद लायबिलिटी मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये जरूरी है कि उसकी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए आप उसको पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करें, क्योंकि वो आज एक्सेप्ट करेगा तो कल पेमेंट करेगा ना, अगर वो आज ही एक्सेप्ट नहीं करता तो कल वो पेमेंट कैसे करेगा, तो ये भी जरूरी है। दूसरा, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस अननेसेसरी। कब कब अननेसेसरी है कि आप एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करें? गैर जरूरी है, ठीक है, मतलब जरूरत नहीं, कर दें तो कर दें लेकिन जरूरत नहीं है। कौन से केसेस हैं? पांच तरह के केस होते हैं। व्हेन द ड्रॉइंग इज डेड और इंसॉल्वेंट द इंस्ट्रूमेंट मे बी प्रेजेंटेड टू द लीगल हेयर्स और असाइन। ठीक है, अगर ड्रॉइंग की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो आप चाहे तो लीगल हेयर्स या असाइनी को प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन द ड्रॉइंग इज अ फिक्टिशियस पर्सन, जब ड्रॉइंग जो था वो एक फिक्टिशियस पर्सन था, जब बंदा ही फिक्टिशियस था, झूठा था, तो फिर लाजमी थी बात है वो तो फिक्टिशियस बिल हो गया, तो फिर वहां पे तो आपने प्रेजेंट करना ही नहीं है। व्हेन द ड्रॉइंग is incapable to contract, आपका जो ड्राई था वो incompetent person था, for example minor या unsound mind था, तो भी present करने की जरूरत नहीं उसको acceptance के लिए। When the drawing cannot be found after reasonable search, कि आपने बहुत ढूंढा लेकिन उसके बावजूद भी आपको ड्राई मिल के नहीं दे रहा, तो भी वो बिल आप डायरेक्ट फिर पेमेंट के लिए लेके जाएंगे, आप उसको acceptance के लिए नहीं देंगे। When although the presentment is irregular, the acceptance has been refused on some other ground, कह रहे हैं कि इनके अलावा भी अगर कोई दूसरा ऐसा ग्राउंड बन रहा है जहां पे जो प्रेजेंटमेंट है वो एक इरेगुलर वे में हो रही है, तो भी एक्सेप्टेंस ये रिफ्यूज्ड किया जा सकता है। ठीक है, कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो है वो रिफ्यूज की जा सकती है किसी और ग्राउंड पे भी, जब कोर्ट को लगेगा कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इस बिल में जरूरी नहीं थी या एक इरेगुलर सिचुएशन थी जिसमें हमने ये बिल प्रेजेंट करना था तो हम नहीं कर सके, तो ऐसी सूरत हाल में भी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस के क्लॉज से लॉ आपको रिलीफ दे सकता है। इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी चीज है, इसके अगर नहीं प्रेजेंट करते हैं आप तो इफेक्ट क्या आएंगे ये देखिए। व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी एंड द होल्डर कमिट्स डिफॉल्ट इन मेकिंग सच प्रेजेंटमेंट, ऑल द पार्टीज देयर ऑन आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी टू सच होल्डर। कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जरूरी थी किसी बिल पे, जो गैर जरूरी है वो तो उन्होंने लिख के दे दिए पांच पॉइंट, अगर इसके अलावा जितने भी है वो सब जगह जरूरी है, कि अगर प्रेजेंटमेंट जरूरी थी और होल्डर उसको प्रेजेंट करने में नाकाम हो रहा है, नहीं कर पाया, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम होल्डर की लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम होल्डर की लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस? तो फिर हम आगे मूव करते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की तरफ।
अब जितना भी मुश्किल एरिया था निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का वो आप पढ़ चुके हैं, आसान एरिया ही है सारा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लास्ट लास्ट इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट पूछ रहे हो, अगर इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट पूछ रहे हो तो मैं बता दूं कि इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट जो है उसके मायने ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करना जरूरी था किसी जगह, और अगर होल्डर प्रेजेंट नहीं करता तो जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं होल्डर की लायबिलिटी थी वो तमाम की तमाम डिस्चार्ज हो जाएंगी, उनके लिए फिर होल्डर के उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी होल्डर की तरफ से, ठीक है, वो तमाम की तमाम डिस्चार्ज हो जाएंगी कि अगर प्रेजेंट करना जरूरी था एक्सेप्टेंस के लिए और होल्डर ने नहीं करा, क्योंकि अननेसेसरी कंडीशंस लॉ ने खुद बता दी कि ये पांच है जिनके अंदर गैर जरूरी है, चाहे तो कर लें चाहे तो ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी जगह है वहां पर जरूरी होगा और जरूरी था और आपने नहीं करा तो आपकी पार्टी जितनी भी प्रायर पार्टी है वो तमाम की तमाम डिस्चार्ज हो जाएगी। आगे चलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की तरफ कि देखने के लिए कब कब जरूरी होता है। प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इज नेसेसरी इन केस ऑफ अ प्रोनोट व्हिच इज मेड पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट टू असर्टेन द मैच्योरिटी, द रूल्स इन दिस केस आर एज अंडर। देखें प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट सिर्फ प्रोनोट के केस में, प्रोमिसरी नोट के केस में जरूरी है क्योंकि वो प्रोमिस टू पे होता है एक सर्टेन डेट के ऊपर, तो वो डेट को असर्टेन करना देखना नॉलेज में लाना बड़ा जरूरी होता है कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या बनी, ठीक है। तो प्रेजेंटमेंट फॉर साइट क्योंकि उस पर साइन तो वही करता है जो मेकर होता है, उसमें एक्सेप्टेंस तो होती ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उस डेट को असर्टेन करने के लिए उसकी उसको देखना जरूरी होता है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर साइट जो है वो प्रोमिसरी नोट के केस में जरूरी है। अब इसमें क्या क्या रूल है, पहला द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट ऑन अ नोट मींस that the payment cannot be demanded till it's shown to the maker. ठीक है, कह रहे हैं कि payment after the expression after sight on a note के मायने क्या है कि इस पे तब तक payment demand नहीं होगी जब तक आप maker को ये देंगे नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने आपसे वादा किया, आपको sign वाइन करके सब दे दिया, अब उसको आपने देना जरूरी है दिखाना कि भाई आज ये ड्यू डेट हो गई आप इसकी पेमेंट करें, ठीक है, जब तक आप उसको शो नहीं करेंगे वो पेमेंट नहीं हो सकती। दूसरा वेयर अ नोट इज मेड पेबल आफ्टर साइट इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट इट फॉर साइट इन ऑर्डर टू फिक्स इट्स मैच्योरिटी। जब नोट पेबल पे ये मेंशन हो कि भाई ये पेबल ही तब होगा, प्रो नोट पे ये मेंशन होगी पेबल ही तब होगा जब देखा जाएगा, तो इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट इट फॉर साइट इन ऑर्डर टू फिक्स इट्स मैच्योरिटी, कि उसकी डेट वगैरह फिक्स करने के लिए भी उसको देखना फिर जरूरी हो जाता है। तीसरा इफ द मेकर इज नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड, कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसका जो मेकर है वो नहीं मिल रहा कि हम उसको इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर सके देखने के लिए साइट के लिए उसके, तो फिर हम उसको एज डिसऑनर्ड कंसीडर कर लेंगे और सूट वगैरह फाइल कर देंगे। द प्रेजेंटमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन बिजनेस डे, ये उसका बेसिकली टाइम लिखा हुआ है कि जब आप प्रेजेंटमेंट करेंगे तो या तो बिजनेस आवर्स में करेंगे और इसके साथ साथ बिजनेस डे में करेंगे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट, जो अब प्रेजेंटमेंट साइट जो है अगर उसको करने में कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है कि फेल हो जाती है नाकाम हो जाती है कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाती, ऊपर वाले चार पॉइंट से अलावा अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाती, ठीक है, कोई भी पार्टी अगर प्रेजेंट नहीं कर पाती, जैसे कि तीसरे पॉइंट में तो लिखा है कि आपने रीजनेबल सर्च किया लेकिन उसके बाद भी आप प्रेजेंट नहीं कर सके, आपने रीजनेबल सर्च किया लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर सके क्योंकि आपको मेकर मिला नहीं, तो बात यह आप उसको डिसऑनर्ड कंसिडर कर लेंगे। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप खुद से डिफॉल्ट कर जाते हैं उसकी प्रेजेंटेशन में उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते तो कोई भी पार्टी आपके लिए लायबल नहीं होगी फिर उस प्रो नोट के अंदर। ठीक है जी,
क्लियर है प्रेजेंट विद फॉर साइड। अगर कुछ पूछना है तो उसमें पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी प्रेजेंट मिन फॉर पेमेंट की तरफ मूव करते हैं। देखें द प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू द मेकर एक्सेप्टर और ड्रॉई रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंट मिन द मेकर एक्सेप्टर और ड्रॉई एज द केस मे बी इज नॉट लायबल टू पे। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे पेमेंट के लिए तो वो पे नहीं होगा, भले वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो या वो चेक हो, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं होता कि वो खुद से आके आपको पेमेंट कर दे। पेमेंट के लिए तो आपको चीज को प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आप बैंक में भी जाएं, आप बोले मेरे घर पे चेक रखा हुआ है, आप मुझे पेमेंट कर दे, बैंक बोलेगा लाइन प्रेजेंट करें, फिर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हो तीनों में से, उसको प्रेजेंट करना जरूरी है पेमेंट के लिए। अगर मेकर से पेमेंट हो रही है आप उसको प्रेजेंट करेंगे, एक्सेप्टर या ड्राई से हो रही है उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन पेमेंट के लिए करना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंटमेंट नहीं कर पाते पेमेंट के लिए तो फिर वो जो मेकर एक्सेप्टर या ड्रॉई है वो आपके लिए लायबल भी नहीं रहते। ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तो है ही जरूरी तीनों चीजों में, वरना तो पेमेंट होगी ही। अब हम बात कर लेते हैं आर्स क्या होने चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस एंड इफ पेबल एट बैंक ड्यूरिंग द यूजुअल बैंकिंग आवर्स। पहली बात, अगर वो नॉर्मल है जैसे नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट या प्रो नोट है तो फिर वो बिजनेस आवर्स में होगा, क्योंकि आपके पास 9 to 5 होते हैं, और इफ द पेबल एट बैंक है तो वो जो भी बैंकिंग आवर्स होंगे उनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, बातों बात बैंकिंग आवर्स कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो जो भी बैंकिंग आवर्स होंगे आप उसमें प्रेजेंट कर देंगे पेमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट अ नोट अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट देयर ऑफ मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। कोई भी ऐसा बिल या प्रो नोट था जो कि मैच्योरिटी पे पे होना था, मतलब पेबल था किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, किसी स्पेसिफाइड डेट के बाद या देखने के बाद, तो वो प्रेजेंट करना है पेमेंट में जबकि वो मेच्योर हो जाए। मेच्योर होने का मतलब ये कि वो स्पेसिफाइड पीरियड गुजर जाए, वो डेट कंज्यूम हो आ जाए या वो देख लिया जाए, तो उसके बाद ही आप प्रेजेंट करें। ठीक है, प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। बातों का ऐसा भी होता है कि प्रोमिसरी नोट में आप इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड कर देंगे, मैं इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, तो अ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन अ थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जो भी आपने इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स करी है उसके 3 दिन बाद, हर इंस्टॉलमेंट के 3rd दिन एक डेट फिक्स होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी, तो 13 जनवरी को आपने प्रेजेंट करना है। हर इंस्टॉलमेंट के आपको 3 grace days मिलते रहेंगे। इफ एनी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड ऑन सच प्रेजेंटमेंट इट हैज सेम इफेक्ट एज नॉन पेमेंट ऑफ अ नोट एट मैच्योरिटी। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट होता है, पे नहीं होता, तो हम उसको सेम इफेक्ट लेंगे कि ये बिल मैच्योरिटी डेट पे नहीं हुआ, इसका मतलब ये डिसऑनर्ड प्रोमिसरी नोट वगैरह। ठीक है, सेम इफेक्ट लेंगे अगर एक इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं होती। इफ एनी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड ऑन सच प्रेजेंटमेंट इट हैज सेम इफेक्ट एज नॉन पेमेंट ऑफ अ नोट एट मैच्योरिटी। कि अगर एक नोट था प्रो नोट, वो 3 इंस्टॉलमेंट में था, तो हर इंस्टॉलमेंट के 3 grace days आपने देने, और अगर एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट होता है तो हम उसको वैसे ही कंसीडर करेंगे कि पूरा का पूरा प्रोमिसरी नोट डिसऑनर्ड हो गया, डिफॉल्ट हो गया। प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या होना चाहिए। द रूल्स रिगार्डिंग प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट आर एज फॉलोज। प्लेस क्या होना चाहिए, पहला, इफ अ बिल इज मेड और एक्सेप्टेड एट अ स्पेसिफाइड प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस फॉर पेमेंट। अगर कोई प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड था तो भाई उसी प्लेस पे आप प्रेजेंट करें पेमेंट के लिए, अगर वो डिसाइडेड। इफ अ बिल और नोट इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एज अ स्पेसिफाइड प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्रॉयर देयर ऑफ।
सेम पॉइंट नहीं लिखे हुए, देखिए पहला था, एक मिनट, इफ अ बिल इज मेड और एक्सेप्टेड एट स्पेसिफाइड प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस फॉर पेमेंट, दूसरा है इफ अ बिल और नोट इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्राइवर देयर ऑफ, नहीं अलग है, पहले में था कि प्रेजेंटमेंट में पेमेंट का कोई प्लेस डिसाइडेड था तो आपने उसी प्लेस में पे करना प्रेजेंट करना है, दूसरे में है कि जहां पे वो बिल एक्सेप्टेंस के लिए, जहां पे वो बिल एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट हुआ था या वो बनाया गया था उसी प्लेस पे आप उसको प्रेजेंट कर दें, अगर आप उसी प्लेस पे उसको प्रेजेंट कर दें मेकर और ड्राइवर को लायबल ठहराने के लिए। देखिए सबसे जरूरी बात तो अगर पहला वाला पॉइंट पूरा हो रहा है कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड प्लेस था पेमेंट के लिए अगर वो मेंशन है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसी पर प्रेजेंट करें, अगर वो नहीं होता तो फिर बाकियों की सूरत हाल आती है, जैसे कि बी में आ गया कि अगर नहीं था मेंशन कोई भी स्पेसिफाइड प्लेस तो जिस जगह वो बनाया गया था या जिस जगह वो एक्सेप्ट किया गया था उसी प्लेस पर प्रेजेंट करो पेमेंट के लिए भी। सी, इफ द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंडिकेट द प्लेस ऑफ पेमेंट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द प्लेस of business at the usual residence of the maker, drawee or acceptor as the case may be. कह रहे कि अगर किसी भी तरह से indicate नहीं हो रहा, मतलब पहले वाले point तो है कि decided place था, दूसरा था कि उसकी acceptance की जगह पता चल रही थी या उसके बनाने की जगह पता चल रही थी तो वहां ले गए थे, लेकिन अगर इन दोनों से भी काम नहीं बनता तो तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही तो जो भी यूजुअल बिजनेस वर्किंग की जगह हो मेकर या ड्रॉयर की या एक्सेप्टर की या जो भी उनके घर का एड्रेस हो आप वहां पे प्रेजेंट कर दें यूजुअल बिजनेस डे और बिजनेस आवर्स के अंदर। डी है इफ द पार्टी लायबल फॉर पेमेंट हैज नो प्लेस फॉर बिजनेस और फिक्स्ड रेजिडेंस और नो स्पेसिफाइड प्लेस फॉर प्रेजेंटमेंट द प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड टू हिम इन पर्सन व्हेनेवर ही कैन बी फाउंड वेयर एवर। कह रहे हैं कि अगर जो शख्स जिसके जो भी मेकर है ड्रॉयर है जिसको आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है ना उसका कोई घर फिक्स है, घर भी बदलता रहता है, ना उसका कोई बिजनेस का फिक्स प्लेस है, ना प्लेस ऑलरेडी स्पेसिफाइड था, ना प्लेस जो है वो एक्सेप्टेंस का पता चल रहा था आपको, तो फिर वो जहां पे भी मिले वहीं पे आप उसको प्रेजेंट कर दें पेमेंट के लिए, रोड पे चलते हुए मिल जाए रोड पे चलते हुए प्रेजेंट कर दें पेमेंट के लिए। क्लियर है चारों पॉइंट्स? तो आगे चलते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक की तरफ। चलें प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक की तरफ चलते हैं। द रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक आर एज फॉलोज। चेक तो आपको पता है बैंक में ही प्रेजेंट होगा, बाकी तो कहीं होगा नहीं। इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉयर अ चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉयर एंड हिज बैंक हैज बीन अल्टर्ड टू प्रेजुडाइज ऑफ द ड्रॉयर। कह रहे हैं कि जो भी आपको चेक वगैरह मिला है वो आप प्रेजेंट करें बैंक काउंटर के ऊपर पहले पहले किस बात से कि इससे पहले कि ड्रॉयर वहां से अपना अकाउंट वगैरह सब क्लोज करें या आपके चेक की पेमेंट को स्टॉप वगैरह करा दें। बातों का तो ऐसा होता है ना, आप चेक इशू कर देते हैं लेकिन पीछे से बैंक से पेमेंट को स्टॉप करा देते हैं, इस चेक को कैश नहीं करिएगा, ये होता है तरीका कि अगर कोई चेक आपने गलती से इशू वगैरह कर दिया तो आप उसकी पेमेंट वगैरह स्टॉप करा सकते हैं। तो यही बात कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि इससे पहले के उनके रिलेशन में कोई ऑल्टरेशन हो जाए बैंक और ड्रॉयर अकाउंट होल्डर की, क्यों? क्योंकि देखिए वो आपकी पेमेंट भी स्टॉप कर सकता है, चेक भेज सकता है, ये भी ऑल्टरेशन हो रही है, या वो अपना अकाउंट भी क्लोज कर सकता है कि मैं अपना अकाउंट मूव कर रहा हूँ। तो आपने इन दोनों चीजों से तीनों चीजों से जो भी ऑल्टरेशन किसी भी तरह से उनके रिलेशन में हो रही है उससे पहले पहले आपने अपना चेक जो है वो प्रेजेंट करना है बैंकिंग काउंटर के ऊपर। दूसरा, अ चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉयर। कह रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि जो भी चेक है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसकी इश्यूएंस से इन ऑर्डर टू आफ्टर इट्स इशू इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉयर। ठीक है, अब इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आपने एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट करना है। After its issue, in order to charge any person except the drawer, drawer के अलावा किसी शख्स को chargeable बनाने के लिए, drawer तो देखें हमेशा उसके लिए liable रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी और को liability उस पर बनानी है तो फिर आपने उसको एक खास मुद्दत के लिए पे करना है। मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए किस तरह। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चेक मुझे दिया, आप ड्रॉयर बन गए, ठीक है, आपने मुझे चेक दिया कि ये जाके बैंक से पेमेंट ले लेना। देखिए मेरे लिए तो आप हमेशा लायबल रहेंगे,
मैंने क्या करा, वो चेक आगे दी मिस्टर बी ए को दिया, मिस्टर ए ने क्या करा वो चेक आगे मिस्टर बी को दे दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, अब मिस्टर बी जो है ना उनको हर हालत में वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर बैंक में प्रेजेंट करना है। अब अगर 6 महीने गुजार के वो बैंक में जा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी हो रही है, मिस्टर बी की हो रही है। तो ड्रॉयर के अलावा हम तमाम लोग जो है उनकी लायबिलिटी से रिलीज हो जाते हैं। फिर ठीक है, ड्रॉयर के अलावा हम तमाम लोग उनकी लायबिलिटी से फिर रिलीज हो जाते हैं। अब वो ड्रॉयर जो है उसके नाम का तो चेक है तो उसके बाद जाएंगे, यही बात लिखा, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट ड्रॉयर। क्या आपने एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको प्रेजेंट कर देना है, ऐसा ना हो कि आप चेक को टाइम बार्ड करा दो। तो प्रेजेंटमेंट में आपने चेक का इन दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। सी वेयर द होल्डर डज नॉट प्रेजेंट द चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड द ड्रॉयर सफर्स डैमेज ड्यू टू डिले द ड्रॉयर विल बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज। अब सी में मजीद क्या बोलने कह रहे हैं कि अगर होल्डर जो है उसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाता जिसकी वजह से ड्रॉयर को कोई डैमेज हो जाता है ड्यू टू डिले, आपके चेक ना प्रेजेंट करने की वजह से ड्रॉयर को कोई डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखें नॉर्मली बैंक में क्या होता है, बैंक रमजान में जकात काट लेता है, आप इस तरह से इसको कंसिडर करें, बैंक जकात काट लेता है, ठीक है। अब ड्रॉयर ने आपको चेक दे दिया, ड्रॉयर ने आपको चेक दिया और एक रीजनेबल टाइम के हिसाब से उसने आपको चेक दिया कि आप रमजान से पहले प्रेजेंट कर देंगे तो उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जकात नहीं कटेगी, ठीक है। आपने क्या करा, आपने डिले कर दिया और आपने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा जिसकी वजह से उसकी 1,00,000 रुपए में 2,500 रुपए जकात कट गई। अब वो 2,500 का उसको नुकसान हो गया। अब जो पेमेंट उसने आपको 1,00,000 की करी थी, 1,00,000 का चेक था, उसमें से 2,500 के लिए वो बरो जिम्मा हो गया, 2,500 रुपए वो आपको पे नहीं करेगा क्योंकि ये लॉस उसको आपके डिले की वजह से हुआ है, ठीक है। तो वो आपको ये पेमेंट नहीं करेगा, ये डिले की वजह से लॉस हो गया, ठीक है जनाब। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। An negotiable instrument payable on demand must be presented for payment within a reasonable time after it is received by the holder. कह रहे हैं कि जो भी instrument payable on demand है, जैसे कि check always payable on demand होता है, तो वो एक reasonable time के अंदर pay कर देना होता है। जैसे ही आप उसको receive करें, आप एक reasonable time के अंदर उसकी demand कर दें payment, आप उसको present कर दें। सातवां point कहता है agent, legal representative or assignee. Presentment for acceptance of payment may be made to the duly authorized agent of the drawing maker or acceptor as the case may be, where the drawer maker or acceptor has died or has become insolvent, presentment may be made to his legal representative or assignee as the case may be. देखें agent, legal representative और assignee जो है ये भी drawer maker ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए या पेमेंट के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, कि अगर ड्रॉइंग ने या मेकर ने अपना कोई एजेंट ऑथराइज किया हुआ था तो आप उसको भी एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर द ड्रॉइंग मेकर और एक्सेप्टर हैज डाइड और हैज बिकम इनसॉल्वेंट, कि अगर वो डाई हो जाए मर जाता है मेकर ड्रॉइंग और या वो इनसॉल्वेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट वगैरह के लिए एक्सेप्टेंस वगैरह के लिए आप प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है जनाब। फिर है एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट, अगर डिले हो रहा है तो क्या होगा। डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस or payment is excused if the delay is caused by circumstances beyond the control of the holder and not imputable to his default, misconduct or negligence. When the cause of delay ceases to operate, presentment must be made within a reasonable time. देखिए अगर delay किसी ऐसे, आप present तो करना है और आपको पता है कि अगर आप present में late करेंगे और कोई damage वगैरह हो जाता है तो फिर आपने वो damage pay करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर presentment जो है वो किस delay जो है वो किसी ऐसे एक्सक्यूज की वजह से हो रहा है जो आपके लिए कंट्रोल में नहीं था,
जैसे कि अब पिछले दिनों कराची में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ हुआ था, गाड़ियां लोगों की बह रही थी। तो ये एक ऐसा एक्सक्यूज था जो कि होल्डर के कंट्रोल में नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में तो लाजमी की बात है कोई बैंक नहीं जा रहा होगा चेक वगैरह प्रेजेंट करने। तो इस तरह के अगर डिले हो रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए आपको एक्सक्यूज है, आप किसी डैमेज के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन वो एक्सक्यूज खत्म होने के बाद आपने रीजनेबल टाइम के अंदर फौरन से उस चीज को प्रेजेंट कर देना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, पेमेंट या एक्सेप्टेंस के लिए जो भी हो केस। ठीक है जी। फिर है राइट ऑफ होल्डर, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस एन इमीडिएट राइट ऑफ रिकोर्स अगेन द ड्रॉयर एंड एंडोर्सर एक्रूज टू द होल्डर एंड नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी। देखें, अगर पहले ही एक्सेप्टेंस, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ना किया जाए और वो डिसऑनर्ड हो जाता है, नॉन एक्सेप्टेंस पे ही हम उसको डिसऑनर्ड कंसीडर कर लेंगे और फौरन से सू वगैरह का राइट होल्डर के पास क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं है फिर कि वो अब आप पेमेंट के लिए भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 महीने का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बिल ऑफ एक्सचेंज को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो 3 महीने बाद पेमेंट क्या करेगा? तो आज जब उसने नॉन एक्सेप्टेंस करी है तो उसी वक्त वो डिसऑनर्ड हो गया, आप जाके सू वगैरह फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर। जरूरी नहीं है कि आप मजीद 3 महीने वेट करें फिर दोबारा से पेमेंट के लिए प्रेजेंट करें उसके बाद फिर वो उसको रिजेक्ट करें, नहीं, आप उसी वक्त कर सकते हैं। उसी वक्त डिसऑनर्ड हुआ और आपका फौरन से राइट एक्टिव हो गया कि आप सूट फाइल कर दें। तो ये 9 पॉइंट्स थे। अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अननेसेसरी। कि कब का प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जो है वो अननेसेसरी है, गैर जरूरी है, वो सिचुएशन देख लेते हैं। द प्रेजेंटमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस एट इट इज ट्रीटेड एज डिसऑनर। इन केसेस के अंदर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है और उनको डिसऑनर ट्रीट कर लिया जाएगा। पहला, व्हेन द मेकर ट्राई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब आपके जो मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर हैं जिनको आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है वो खुद से ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप उनको प्रेजेंट करें, आप उसको एज अ डिसऑनर्ड कंसीडर करें और जो भी सूट वगैरह बनता है उनके ऊपर फाइल कर दो। सेकेंड, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एट द पेयर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ही क्लोजेस द प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग हिज यूजुअल बिजनेस आवर्स। कि आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना था उसके ऑफिस एड्रेस पे और वो बिजनेस आवर्स के अंदर अपना ऑफिस क्लोज करा हुआ है तो भी आपको फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना जरूरी नहीं, आप उसको डिसऑनर्ड कंसीडर करें और जाके सूट फाइल करें। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड द पेयर और हिज एजेंट डू नॉट अटेंड सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। कि जो प्लेस डिसाइड हुआ था उस प्लेस पे ना ही आपके पेयर मिल रहे हैं जिनको आपने पे करना है, ना ही उनके एजेंट मिल रहे हैं, तो भी आप डायरेक्ट उसको फिर मजीद पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करेंगे और डिसऑनर्ड कंसिडर कर लेंगे। चौथा, When the instrument is not payable at any specified place and the payer cannot be found after due search, कि कोई प्लेस भी स्पेसिफाई नहीं था और बहुत सर्च करने के बावजूद पेयर भी नहीं मिला जिसने पेमेंट करनी थी तो भी आपको भी प्रेजेंट करने की मजीद उसको आगे जरूरत नहीं है। पांचवा, When there is a promise to pay not withstanding non-presentment, जब ये प्रॉमिस आप दोनों के बीच में हुआ हुआ हो कि देखें अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आप किसी चीज की नॉन प्रेजेंटमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं होगी, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट करने में फेल हो गए। लेकिन अब बात यह है कि आप दोनों के बीच में प्रॉमिस इस तरह का हुआ हुआ था कि अगर तुम प्रेजेंट नहीं करना मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ऐसी प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं, आपका प्रॉमिस इस तरह का हुआ था तो भी वाकई में प्रेजेंट करना अननेसेसरी है। क्योंकि ये देखें ये क्या करा, ये आप लोगों ने खुद उसको चेंज करा, आपने खुद उसको एक और राइट दिया कि देखो प्रेजेंट ना भी करो तो भी मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, या आपने उसको खुद रिलीफ दे दिया, ठीक है। When the payer waives the presentment and promise to pay even though no पांचवा पॉइंट था, when there is promise to pay not withstanding non presentment, कि आपका जो promise to pay है वो presentment में depend नहीं करता, ठीक है। पांचवा पॉइंट था कि जो आपका promise to pay है वो presentment के ऊपर depend नहीं कर रहा, कि आप present करोगे तो मैं payment करूंगा, वो अगर आप पे dependency नहीं थी, आपका contract इस तरह का हुआ हुआ था कि वो depend नहीं कर रहा था तो भी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। अच्छा, पांचवा और छठा पॉइंट तकरीबन एक ही है, क्योंकि अगर आपने इस तरह का प्रॉमिस करा था कि अगर आप नहीं भी प्रेजेंट करेंगे आप
डिपेंड नहीं करा रहे, तो भी बात यही है कि आप एक तरह से खुद वेव कर रहे प्रेजेंटमेंट का राइट, ठीक है। और छठे पॉइंट में भी यही है कि व्हेन द पेयर वेव्स द प्रेजेंटमेंट एंड प्रॉमिस टू पे इवन थो नो प्रेजेंटमेंट इज मेड, कि पेयर ने खुद से कहा कि अगर तुम प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो ये पांचवा और छठा पॉइंट मोर और लेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ इसमें इंग्लिश का डिफरेंस है, ये बाकी तकरीबन सेम है। क्योंकि देखें अगर पांचवा पॉइंट कह रहा है कि आप पे नॉन प्रेजेंटमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था पेमेंट, ठीक है, कि पांचवा पॉइंट ये था कि भाई देखें प्रॉमिस टू पे है नॉन प्रेजेंटमेंट के बावजूद भी, ठीक है, कि नॉन प्रेजेंटमेंट के बावजूद भी प्रॉमिस टू पे है, तो इसका मतलब क्या है कि अगले ने अपना पेमेंट का राइट खुद से वेव किया हुआ है। यही बात छठा पॉइंट भी कह रहा है कि पेयर ने अगर वेव पेयर खुद भी कर दे, खुद से भी वेव कर दे कि भाई मैं आप अगर प्रेजेंटमेंट नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको बिल जो है वो पेमेंट कर दूंगा। तो पांचवा और छठा पॉइंट तकरीबन सेम ही है when there is a promise to pay not as with a standing non presentment, ke promise to pay hai non presentment ke bawajood bhi, aur chhota point hai ke wo khud se waive kar raha hai payer ke aap presentment na kare to bhi main aapko payment kar dunga. Saatwa point aata hai aapke paas, when the drawer could not suffer damage for want of presentment, ke drawer ko could not suffer damage for want of presentment, कि ड्रॉयर को कोई डैमेज नहीं होगा अगर आप उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो। आठवां पॉइंट, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, कोई भी बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो क्या प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, जब वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो वो उसी वक्त डिसऑनर्ड हो गया था तो उसको भी प्रेजेंटमेंट के लिए जरूरी नहीं है। और नवा है, व्हेन द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, जब ड्रॉई जो हो वो कोई फिक्टिशियस पर्सन हो, कोई सेल्फ क्रिएटेड पर्सन हो, हकीकत में उसका कोई वजूद ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको बिल प्रेजेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं दसवें पॉइंट पे, व्हेन द ड्रॉयर एंड द ड्रॉई इज द सेम पर्सन, जब ड्रॉयर और ड्रॉई दोनों ही सेम पर्सन है तो भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों खुद ही सेम पर्सन है। व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट, जब ऐसी सूरत हाल हो के इम्पॉसिबल हो जाए इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना किसी भी वजह से, अगर इम्पॉसिबल हो जाता है इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना तो भी आपने उसको फिर प्रेजेंट करने की पेमेंट के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, जितने भी ये केसेज हैं इन तमाम के अंदर फिर आप क्या करेंगे, आप इसको As dishonored consider करेंगे। Payment for honor, आपको याद होगा honor for acceptance था तो payment for honor भी है। अच्छा, अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं ये दो टॉपिक पढ़ा के चैप्टर क्लोज कर दूंगा। सर प्लीज इनफ, ये कौन है, एक तो पहले दिन क्लास में आए और बोल लो सर प्लीज इनफ, नाम भी आपने वही रखा है एनोनिमस अटेंडी। यहीं तक रखें, दो हेडिंग रह गई थी मैं कंप्लीट करवा देता, लेकिन अब बाकी एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं सर यहीं तक रखें, तो चलें बहरहाल इसको रिपीट कर लीजिएगा, वरना आज सैटरडे था, फिर ये नेक्स्ट क्लास में आएगा टॉपिक एक हफ्ते बाद। चलें कोई बात नहीं, हम यहीं तक रखते हैं इसको, फिर या मैं करवा देता हूं एंड, थोड़ा सा ही रह गया। चलिए जी पेमेंट फॉर ऑनर पे आए। अब पेमेंट इज अ पेमेंट फॉर ऑनर अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, के कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि नीचे बयान की गई है, छह कंडीशंस, इनके अंदर अगर पेमेंट होती है तो वो ऑनर में पेमेंट होगी। द बिल मस्ट बी डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट, पहला तो ये है कि बिल आपका ऑलरेडी डिसऑनर्ड हो गया हो नॉन पेमेंट के लिए,
क्योंकि जब अगले की तरफ से नॉन पेमेंट होगी तो ही तो आप पेमेंट ऑफ ऑनर कर सकते हैं ना, जब वो खुद ही पे कर देगा तो पेमेंट फॉर ऑनर तो हो ही नहीं सकती। तो ये भी जरूरी है कि अगले की तरफ से बिल डिसऑनर्ड हो गया और नॉन पेमेंट। दूसरा, द बिल मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट। ये नोटेड एंड प्रोटेस्टेड को मैंने डेफर किया हुआ है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा कि बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो पहले उसको नोटेड और प्रोटेस्टेड कराना पड़ता है नोटरी पब्लिक वगैरह से, ठीक है। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि पेमेंट फॉर ऑनर होगा कब, पहली बात, पहली कंडीशन के भाई वो डिसऑनर्ड हो गया हो, दूसरी वो नोटेड और प्रोटेस्टेड भी हो, तीसरी द पर्सन पेइंग और हिज एजेंट मस्ट डिक्लेयर बिफोर द नोटरी पब्लिक द पार्टी फॉर हूज ऑनर ही पेज। जो भी पर्सन पे कर रहा है या जो भी उसका एजेंट पे कर रहा है वो लाजमी डिक्लेयर करेगा पेमेंट से पहले नोटरी पब्लिक को कि मैं किसके ऑनर में पे कर रहा हूं, ठीक है। जब आपका बिल वगैरह डिसऑनर्ड होता है तो आपको वो नोटिस में लाना पड़ता है नोटरी पब्लिक के, ठीक है। जब नोटरी पब्लिक के आप नोटिस में लाते हैं तो नोटरी पब्लिक को फिर आपने बताना पड़ता है कि भाई मैं जो है वो किस शख्स के ऑनर में पेमेंट कर रहा हूँ। चौथा, द डिक्लेरेशन टू पे मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द नोटरी पब्लिक। जो भी नाम आप डिक्लेयर करेंगे नोटरी पब्लिक उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि किसके ऑनर में आप पेमेंट कर रहे हैं। पांचवा, द पेमेंट फॉर ऑनर मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लायबल टू पे ऑन द बिल। जो भी पेमेंट ऑफ ऑनर है वो जो भी पार्टी लायबल थी बिल में उसके ही लिए पे होगी। छठा, द पेमेंट फॉर ऑनर मे बी मेड एनी पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट लायबल ऑन द बिल। ठीक है, पेमेंट फॉर ऑनर मे बी मेड बाय एनी पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट लायबल ऑन द बिल। देखें पांचवा पॉइंट था, द पेमेंट ऑफ ऑनर मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लायबल टू पे ऑन द बिल। ठीक है, कि जो भी पार्टी बिल में लायबल थी आप उसके ऑनर में पेमेंट कर रहे हैं। द पेमेंट फॉर ऑनर मे बी मेड बाय एनी पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट लायबल ऑन द बिल। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएट होता रहता है तो मुख्तलिफ लोग उसमें जुड़ते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है उनमें से कोई जुड़ा हुआ बंदा ही जो है वो ऑनर में पेमेंट कर रहा हो किसी दूसरे के। ये भी मुमकिन है कि बाहर का कोई थर्ड पार्टी आके किसी के ऑनर में कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, मेरा भाई उसमें पार्टी था, मैं नहीं था, मैं लायबल नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई के ऑनर में पेमेंट कर रहा हूँ। नोटरी पब्लिक को आप अभी के लिए एक डेफर रख लें, अभी के लिए आप इसको ये समझ लेंगे गवर्नमेंट के नोटिस में आप ला रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के नोटिस में आप ला रहे हैं, अभी के लिए आप इनको ये समझ लें। लेकिन वैसे जो है क्योंकि लॉ एक पर्दा होता है जिसको ऑथराइज करता है आपका बार एसोसिएशन जब वो नोटरी पब्लिक बन जाता है और उसको कुछ लीगल राइट्स असाइन कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके अटेस्टेशन के राइट्स जो है डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के कुछ खास लोगों के बाद है, मैं डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं कर सकता, आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं कर सकते, इसी तरह नोटरी पब्लिक भी होता है कि उसको लीगल कुछ राइट्स असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि वो ये काम कर सकता है। तो वो नोटरी पब्लिक की बकायदा स्टैम्प भी होती है उसके पास। इसी तरह कुछ आपने देखे होंगे ओथ कमिश्नर्स होते हैं कोर्ट के बाहर बैठे हुए होते हैं, नोटरी पब्लिक भी नॉर्मली वहीं पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टैंप वगैरह होती है कि वो अपने पास सारी चीजें नोट कर लेते हैं। फिर है राइट्स ऑफ पेयर फॉर ऑनर। अब जिसने ऑनर में पेमेंट करी है उसके राइट क्या क्या आएंगे, ठीक है। एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट फॉर ऑनर is entitled to all the rights in respect of the bill of the holder at the time of such payment. He may recover from the party for whose honor he pays all sum so paid with the interest thereon and all expenses properly incurred in making such payment. Jis shakhs ne owner mein payment kari hai uske paas wo tamam right aa jate hain jo holder ke paas hote hain jab wo payment kar deta hai. जिस शख्स ने भी पेमेंट करी है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो जो भी जिसके भी ओनर में उसने पेमेंट करी है, जिसके ओनर में उसने पेमेंट करी है उससे वो तमाम के तमाम पैसे जो है वो रिकवर करे, और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह भी उसने पे किया है तो वो उसको भी रिकवर कर सकता है, और भी कोई एक्सपेंसिस है तो वो भी रिकवर कर सकता है। तो यूं समझ लें होल्डर से मुराद मेरी ये थी। असल में मैंने होल्डर का वर्ड इसलिए हटाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके ओनर में पेमेंट हो रही है वो भी होल्डर है, जिसके उसमें हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने हटा दिया वर्ड। तो जो भी शख्स डिफॉल्ट कर रहा है जिसके ऑनर में आप पेमेंट कर रहे हैं आप बाद में उससे वो तमाम चीजें रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है, बाकी कोई भी कॉस्ट हो रही है इंटर आपकी तरफ से, वो तमाम की तमाम आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब हमारे तीन चैप्टर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बचते हैं जो कि काफी छोटे हैं,
अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना मैं क्लास को एंड करते हैं। जी फवाद जल्दी पूछ लो, 5 मिनट रह गए। राइट्स बहुत आसान सा है। देखो अगर कोई भी शख्स डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके ऑनर में पेमेंट हो रही है, आप ऑनर में कर रहे हो ना कि उसकी इज्जत बच जाए, तो जब आप उसके ऑनर में अभी पेमेंट कर रहे हो, बाद में आप उससे रिकवर कर सकते हो। बाद में आपके पास ये राइट है कि जो भी ऑनर में पेमेंट करता है, पेमेंट फॉर ऑनर होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो बाद में डिफॉल्टर पार्टी से रिकवर कर ले पैसे जितने भी उसने पे करे हैं, जो भी कॉस्ट थी, इंटरेस्ट था या प्रिंसिपल अमाउंट था, जो भी उसने पे करा है वो सबका सब उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी, और कुछ पूछना है किसी ने? काफी जल्दी कर दिया, करा दिया था मैंने इसलिए क्योंकि ये आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जितना भी मुश्किल का पार्ट था वो पहला ही चैप्टर था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, पहला और दूसरा, उसके बाद अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे आसान आसान चैप्टर है। जो मुश्किल एरिया था वो आपने पढ़ लिया है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा तेज कराया चैप्टर। चले यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।